जैसे डॉन का इंतजार चार मुल्कों की पुलिस कर रही है ना, मेरा तीन का तो कर ही रही है। एक ही जगह जेल गया हूँ, वो अमेरिका में, पर जेल चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, जेल जेल है। मैं देश में आया हूं दोस्तों आपके, ना साज़ो नगमे के महफिल, ना शायरी के लिए, ना नगमे हो रहे, ना गाने बजाने हो रहे, ना शायरी की महफिल हो रही है। तुम्हारे देश में दोस्तों आपके के ना साज़ो नगमे की महफिल, ना शायरी के लिए, अगर तुम्हारी अना ही का सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। दोस्तों, जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये फराज साहब का शेर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में था, ऐसा नहीं है, ये अमेरिका और बिल्कुल रशिया के बारे में था। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तो लड़ते बढ़ते हैं ही नहीं, तो हाँ, हम तो पीस लविंग कंट्री। अभी वो शेख रशीद ने बोला था शायद कि हमारे पास जी जी ऐसा बॉम्ब है जो इंडिया में सिर्फ गिराएंगे तो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा। ओ, तो यानी मैंने हिंदू कहा फोबिक बॉम्ब हमने रेडी कर लिया पाकिस्तान ने, कि हाँ, जस्ट दैट कैन ओनली गो एंड किल हिंदूज, दैट्स हाँ, और इस तरह के फालतू रिटोरिक इधर इधर भी है। मैं कराची एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मेरी फ्लाइट डिले हो गई। पीआईए की मतलब हैबिट है जैसे कि जी। 4 घंटे डिले हो गई। अब मैं वहां कराची एयरपोर्ट, आपको पता ही है कि मतलब वहां करने को तो कुछ है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे लोगों को तो करने कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ भी नहीं है जी। ठीक, तो मेरे पास एक बैकपैक था, एक सूटकेस था, तो साइड में सूटकेस रखा हुआ था। और मैं 1 घंटा बैठ रहा, 1 घंटे बाद मैं उठ के ना अपने बोर्डिंग डोर पे आ गया और सूटकेस वहीं छोड़ाया और बोर्डिंग डोर पे बैठा रहा। फिर 1 घंटे बाद मेरे को याद आया, अरे तेरी सूटकेस किधर है? तो मैं गया भागा भागा, तो सूटकेस वहीं पे वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा एक जोक आया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ऐसे लावारिस सूटकेस पड़ा हो तो लोग उसको टच भी नहीं करेंगे ये सोच के कि बॉम्ब तो नहीं है। हाँ बिल्कुल और पाकिस्तान में वैसे ही अगर कोई लावारिस सूटकेस पड़ा हो तो भी लोग टच नहीं करेंगे ये सोच के कि बॉम्ब ही तो होगा। अब ये बताओ, ये फिल्म मेकिंग वाला क्या चक्कर है यार, जिसके चक्कर में तुम बॉस्टन से एले पहुंच गए हो ना अब तो? नहीं, अब मैं टेक्सास में हूँ। अच्छा एले अच्छा एले वाली औकात नहीं है अभी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी गया था तब, मैं तभी मैं हमेशा समझता था मैं कि किसी और के बच्चे जाते हैं अमेरिका, ठीक है, निकल के बच्चा गया अमेरिका या कोई यूके गया वहां से पढ़ के। हम कभी नहीं सोचते थे कि हम जा सकते हैं, लेकिन सम हाउ सम वे हम पहुंच गए बॉस्टन यूनिवर्सिटी, और 2 साल वहां पढ़े। वहां हमने स्क्रीन राइटिंग, मैंने एमएफए इन स्क्रीन राइटिंग करा बॉस्टन यूनिवर्सिटी अच्छा में, अच्छा मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो 2 साल कोई पाल की तरह बस लिखते रहे, फिल्में लिखी, शॉर्ट फिल्म्स लिखी, ड्रामा पायलट, टीवी पायलट, जितनी दुनिया जहां की चीजें लिखी, लिख सकते थे लिखी, और उन 2 साल बैठ के बस ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि आप दुनिया को देखो, दुनियादारी समझो, अपने अपने यू कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान बैक होम, यू कैन अंडरस्टैंड इंडिया, यू कैन अंडरस्टैंड अमेरिका। रेदर देन बींग वेरी प्रोएक्टिव इन सेइंग दीस थिंग्स, आई यूज दैट 2 ईयर्स टू जस्ट ऑब्जर्व। मैंने 2 साल वहां पढ़ा, बॉस्टन में था, और बहुत जबरदस्त रहा, वहीं स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू करी। तो अब एक बतौर एक स्क्रीन राइटर आप कह सकते हैं कि बन गए, डिग्री याफ्ता कह सकते हैं। और अभी जो जब से पैंडेमिक शुरू है, तो मैं उससे पहले ऑस्टन टेक्सास आ गया था, और वहां मैं ऑस्टन फिल्म सोसाइटी में काम कर रहा था, जो कि एक रिचर्ड लिंकलेटर एक डायरेक्टर है हॉलीवुड के, उन्होंने काफी फिल्में बनाई, तो उनकी एक नॉन प्रॉफिट फिल्म ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मैं काम कर रहा था। फिर आ गया पेंडेमिक, तो अब मैं एक बिल्कुल ही छोटे टेक्सिस कॉलेज टाउन में रह रहा हूँ, रूरल टेक्सिस में रह रहा हूँ, ठीक है, रेड स्टेट में रह रहा हूँ, मैं ब्लू स्टेट से रेड स्टेट में आ गया, और मैं बिल्कुल एक छोटे टाउन में रह रहा हूँ जहां पे मेरा भाई या A&M यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो यहां से बैठ के मैंने रिमोटली काफी प्रोजेक्ट्स कर लिए पाकिस्तान में लास्ट ईयर। तो पहली जो मेरे को भी भेजा आपने कुछ देखने के जी लिए। जी 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 बिल्कुल। तो आपको ही भेजें, तो वो मैंने जो बनाई थी एक शॉर्ट फिल्म, जो आप अच्छी खासी उसको हमें मतलब सन मीडिया में भी उसको बहुत उछाला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने द वायर में भी उसके बारे में मैंने लिखा, आर्टिकल थी 70s और दैट काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के वो किस बारे में, यही था कि हमने हमने हमारी अटेम्प्ट ये थी कि हम ऑनेस्ट करें उसको, मरी में शूट किया। तो तब हमें हुआ क्या, इस हमारे पास कोई कश्मीरी वॉइस नहीं है इसको टू ब्लेस इट एंड टू गेट दैट पर्सपेक्टिव, राइट? तो
कुछ मेरे ही बॉस्टन के इंडियन दोस्तों की मदद से कुछ इस तरह हुआ कि आई मैनेज टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद अ कश्मीरी पोएट, वन ऑफ द लीडिंग फीमेल कश्मीरी पोएट्स, रुमूस, उनका नाम था रुमूस, और उनके उनसे बड़ी जबरदस्त हमारी बात हुई। और उनसे बस हमारी सिंपल, आप कैसी हैं, आप करती क्या हैं, बिल्कुल ये नॉर्मल चीजों से हमने उनसे पूछी, यही हमारा मकसद था, क्योंकि यार वो यार, तुम हमेशा पाकिस्तानी जो है ना, प्लीज कश्मीरियों से ये मत पूछा करो कि आप कैसे हैं, प्लीज। क्या पूछा मुझसे। नहीं, कुछ भी मत पूछो, अपने अपने काम से काम रखो, ठीक है। एक बार कराची जा रहा था, कराची में एक दोस्त है मेरी, उसने वो इंडिया में कैंडी आती है, पल्स कैंडी। पल्स कैंडी, आई हाँ, तो लव उसकी, दैट हाँ फूड, यस। वो उसकी बड़ी एडिक्ट है। उसने कहा प्लीज मेरे को सूटकेस भर के पल्स कैंडी चाहिए। तो मैं सूटकेस भर के पल्स कैंडी लेके जा रहा था। फ्लाइट थी दिल्ली टू लाहौर, PIA की थी, और हाँ लाहौर में सुबह पहुंच गया 11 बजे, और रात को 12:30 बजे लाहौर टू कराची एक फ्लाइट। ठीक है, अब आप वो देखा है आपने, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है ना, कुछ भी नहीं है। अब मैंने सोचा यार, यहाँ 12 घंटे काटूंगा कैसे। और एक आया, वो शायद FIA का बंदा था, वो आया यूनिफॉर्म में, बड़े पकड़ से मेरा पासपोर्ट छीन के ले गया। और मैं पीछे थी, मैंने कहा सर पासपोर्ट कहाँ लेके जा रहे हो, और वो मेरे से सवाल जवाब करे कि क्या है, क्यों जा रहे हो वहां पे, कैसे तुम्हारे दोस्त बन गए, घर में कौन कौन है, फौज में कौन है घर में, और फलाना और ढिक, और सख्ती से बात करे। जब हो गए 20-1 मिनट करते हुए, मैंने कहा सर 1 सेकंड रुको, मैंने सूट केस खोला, मैंने एक पल्स कैंडी निकाली, मैंने ये ट्राई करवा था। वो एक टॉफी खा के पागल हो गया, कहते अरे और दियो यार, मैंने और दी। उसने और कोलीग बुला लिया अपने, अरे इंडिया की कैंटी, इंडिया की कैंटी, टॉफी खा के सब खुश। फिर उसने मेरे को वहां पे खाना भी खिलाया, उसने मेरे को, मैंने कहा सर सिगरेट कहाँ पे पीओगे, कहीं पे पी लो यार। मैंने कहा सर यहाँ तो मना कह रहे, मैं बोल रहा हूँ ना पी लो यार। और फिर वो मेरे से बातें करने लगा अपने गाँव की, और कहता है चिंता मत करो, पूरे 12 घंटे आपको यहाँ पे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो गाँव, उसके गाँव के किसी कजन ने, उसे एमवे की स्कीम नहीं होती हाँ कि आप एक मेंबर बनाओ, फिर वो चार और बनाएगा, फिर हाँ रेफर। चार और तो बार मेरे से रेफर, पूछा यार ये वाली स्कीम काम की होती है यार। मैंने क्यों, कहता यार मुझे किसी ने फंसा दिया है यार, ये मेरे कजन ही है, और ऐसे। मैंने बेकार की चीजें, इन चक्करों में मत पड़ो। एंड आई वॉज वंडरिंग, इट जस्ट टुक अ फकिंग कैंडी। तो कैंडी, सत्तर साल से कर क्या रहे हो, जब एक टॉफी से काम हो सकता है। तो पल्स कैंडी वालों को तो ये एडवर्टीजमेंट बनाना चाहिए एक्चुअली। मैं तो यही कह रहा था, ये तो इससे पल्स कैंडी कैन सॉल्व इंडिया पाकिस्तान इश्यूज। या तो वो तो एलओसी ये पे उनको, या उनको ये पल्स कैंडी आप बांटनी चाहिए, दैट वुड एक्चुअली नफरत की आग कम होगी इसी से। यार, लोग मिलेंगे तो ये डिस्कशंस होंगे ना। लोगों को तो बिल्कुल मिलने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोग मिल गए तो फिर यही होगा कि यार हमें लड़ना ही है। एक दफा मैं लाहौर में एक पुलिस स्टेशन में ना, अपना वो वीजा वेरिफिकेशन होता है ना, वो हाँ, उसके लिए गया, थाने जाना है। हाँ, तो देर लग रही थी वो, तो मैं ऐसे, वो जो हवालात होता है ना थाने के अंदर ही, तो मैं मजे लेता हूँ हर जगह पे, मैं देखता हूँ कि, तो उसमें ना वो तो अंदाजा एक वही बेचारा बंद था अंदर, है, और हाँ गंदा गंदा सा पानी पी रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान पानी भी नहीं देते पीने के लिए। कहता है कहाँ यार, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है यार, ये प्यास से मरे जा रहा हूँ, पानी मांग चुका हूँ इतना कि मेरे को ठंडा पानी तो पिला। गर्मी हो रही थी भयंकर, जून का टाइम था। वो मैंने और कहा, गर्मी। मैं तो इंडिया से हूं, हमारे यहाँ तो जेल में एसी लगे हैं। वो कहता है इंडिया तो यार बहुत आगे यार, बहुत आगे। शुजा भाई बहुत मजा आया आपसे बात बहुत करके, और दोस्तों पीपल हु हैव जॉइंड स्पेशली बीना, बिकॉज शी इज कॉन्स्टेंटली कमेंटिंग एंड शी वॉज द एंड यू वन नीड अ हु, सपोर्टर लाइक बीना इन योर लाइफ, यू नो, बीना आपके भी सपोर्ट है ना, आप कहीं भी पहुंच जाओगे दुनिया एब्सोल्यूट, एंड शी वॉज द वन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड अस, एंड देन में। वी हैव टॉक टू इच अदर मोर देन वी हैव टॉक टू बीना एक्चुअली। सो यस, ये बाय।